नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वोकल ट्यून किस तरह से लगाया जाता है। जिस तरह से यानी कि स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होता है दोस्तों, उसमें जो वोकल ट्यून होता है ऑटो ट्यून, वो किस तरह से इफेक्ट लगाता है दोस्तों, तो वो मैं आपको एंड्रॉयड में यानी कि बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जानने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के नीचे बटन दिखेगा दोस्तों, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन आएगा दोस्तों, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों किस तरह से यानी कि स्टूडियो से भी बढ़िया यानी क्वालिटी में हम यानी कि इसमें ऑटो ट्यून इफेक्ट लगा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे जो आपको यानी कि ये कोने वाले आइकन में जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फाइल को सेलेक्ट, कोई भी गाना को यानी कि ट्रैक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज़र के बटन पे जाके क्लिक करना है। ब्राउज़र वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं ट्रैक ले लेता हूँ दोस्तों। और जिस तरह से यानी कि स्टूडियो में आप गाना को यानी कि सिंग को यानी कि जो सिंगर लोग मतलब होता है जो गाना अलग वो मतलब गाता है और अलग उसका यानी कि रिकॉर्ड जो होता है दोस्तों अलग अलग इफेक्ट में, उसी तरह से इसमें मैं करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलो कराओके ट्रैक को मैं किस तरह से ले लेता हूँ। तो चलिए मैं एक ट्रैक को कोई यानी कि मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ और वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा तभी आपको यानी कि समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यानी कि एक सिंगर हैं या तो सिंगर बनना चाहते हैं या तो अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं इस पर, तो आप बहुत ही बढ़िया आसान तरीक़ा से इस पर गाना भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यानी कि बढ़िया कैमरा अगर कहीं पे शोर ना हो इन दोस्तों, पक्के का अगर मकान है वहाँ पे आप यानी कि इसको ट्रैक कर सकते हैं बड़े ही आसान से। तो चलिए हमारा ट्रैक यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आने के बाद जो है इसको किस तरह से वोकल ट्यून इसमें रिकॉर्ड करना है, किस तरह से अपना गाना यानी ट्रैक पे गाना है, बिल्कुल एकदम स्टूडियो तरह इसमें क्वालिटी निकलेगा दोस्तों। इसमें यानी कि जो है आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो आपके पास दामी हेडफोन होना चाहिए, और ये मैं जो मतलब अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों ये तो सस्ता वाला हेडफोन है, 100 रुपये वाला हेडफोन। यहाँ से मैं यानी कि वोकल पे क्लिक करूँगा और जैसे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कोने वाले आइकन पे ये मेरा गाना यानी ट्रैक अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। और किस तरह से यानी कि इसमें जो यानी कि सेटिंग करना है, तो चलिए इसको जो मतलब किस तरह से पूरा इसमें बहुत सारा इफेक्ट है दोस्तों, मैं एक एक यानी वीडियो में बताऊँगा किस तरह से पूरा इफेक्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से वोकल ट्यून इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं यानी कि जो हमारा इसमें यानी कि जो मतलब की बटन है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मेरा स्केल क्या है, स्केल पे मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मैंने की बटन पे करने के बाद यहाँ पे हम लाल वाले बटन पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए गाना को। तो चलिए मैं रिकॉर्ड को क्लिक कर लेता हूँ और वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें मैं गाना को गाऊँगा और किस तरह से इसमें रिवर्ब वगैरह यानी कि सब इफेक्ट मिक्सिन वगैरह जो आपके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ये सब गाना के यानी कि इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया दोस्तों। चलिए मैं गाना को मैं गाता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा और बड़े ही आसानी से आप यानी कि स्टूडियो तरह इसमें क्वालिटी को आवाज़ यानी कि जो है म्यूजिक को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तोहरे आई जिंदगी भर तोहरे रहब, कुछ दिन बाद राजा सब कुछ सहब, सब कुछ सहब, सब कुछ सहब। तोहरे आई जिंदगी भर तोहरे रहब, कुछ दिन बाद राजा सब कुछ सहब। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो है दोस्तों मैंने यानी कि रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया हूँ और यानी कि आप यानी कि बहुत ही बढ़िया सी इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वोकल यानी कि लिखा हुआ यहाँ पे इसको मिला सकते हैं आगे पीछे किस तरह से इसका ट्रैक और वोकल जा रहा है दोस्तों।
तो इस तरह से इसमें जो यानी कि ट्रैक पे गाना आप बड़े आसानी से गा सकते हैं। तो चलिए मैं वे करके आपको और यानी बता देता हूँ यहाँ पे। और इसको जैसे आप यानी कि इसमें जो है बढ़िया ही क्वालिटी से आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं एक एक करके बताऊंगा, अगर जो आपको ये सीखना है कि इस तरह से मिक्सिंग इसमें किया जाता है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इसके रिलेटेड म्यूजिक के रिलेटेड या टेक्नोलॉजी वीडियो के रिलेटेड हमें आपको इंफॉर्मेशन देते रहें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।